बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी बाय एमजीए। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है रेसिपी है लेफ़्ट ओवर कोफ्ता की बिरयानी हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होंगे मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, इसमें जाएंगे 3 ग्लास जो हैं वो हमने लिए हैं चावलों के राइस, ठीक है, और उनको तकरीबन हमने आधा घंटा पहले जो है भिगो दिया होगा। इसके बाद लेफ़्ट ओवर कोफ्ता, ठीक है जी। अच्छा जी, बड़े साइज़ के आलू, दो बड़े साइज़ के जो हैं वो आलू जो हैं वो लिए हुए हैं, और हमारे घर में अगर हम बिरयानी में आलू ना डालें तो कोई खाता ही नहीं है, कहते हैं ये क्या बना दिए, तो बड़े ज़रूरी हैं जो है ना वो पोटैटोज़ डालना। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने अनियन लिया, कितना बड़े साइज़ के? दो बड़े साइज़ के अनियन प्याज लिए हैं। फिर टमाटर जो हैं वो लिए हैं कितने? दो टमाटर हैं बड़े साइज़ के। और इसके बाद जो है वो लहसुन के कितने जवे हैं? 10 से 12 जवे हैं। और हरी मिर्चें हमने ली हैं कितनी? कोई 8-10 लग रही है मुझे, क्योंकि छोटे साइज़ की ना ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। हाँ, ये वाली मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो उसके बाद अदरक जो है हमने उसको ग्राइंड कर लिया है, कूट लिया है, 2 टेबल स्पून वो है, 1.5 है, सही दास। अच्छा जी, हाफ कप हम जो है वो योगर्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा अदरक का जो है वो 1.5 इंच का पेस्ट या 2 इंच का लेके आप जो है कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी स्पाइसीज में इसमें जाएगा बिरयानी का 1 डिब्बा, और इसमें जाएगा गरम साबुत गरम मसाला, खड़ा मसाला जिसको कहते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि अच्छा हम कफायत शारी से बिरयानी बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर कोफ्ता की, तो इसलिए जो है हम बिरयानी का 1 पैकेट और घर की मिर्चें डाल के ना हिसाब पूरा कर रहे हैं। तो आपने हिसाब पूरा नहीं कर रहे, मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं बिरयानी मसाले के साथ जो है वो घर के स्पाइस जो है वो लाजमी ऐड करती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और प्लेट है जिसका हमने आपको बताया ही नहीं है कि वो किस लिए पड़ी हुई है, वो तो बता दो। अच्छा, ये गार्निश के लिए है, ये गार्निश के लिए टमाटोज हैं और लेमन है, पुदीना है, सब्ज मिर्चे हैं और कलर है फूड कलर। हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट बिरयानी को बनाना, और सबसे पहले स्टॉक को हमने जो है वो फ्लेम इसका ऑन कर लिया। इसमें ऑयल ऐड किया, कितना ऐड किया है? तकरीबन हाफ कप जो है वो ऑयल डाला है। हाफ कप ऑयल इसलिए डाला क्योंकि जो कोफ्ता बनाए हुए थे हमने उसमें भी थोड़ा सा ऑयल है, तो थोड़ा सा कम ही इसकी क्वांटिटी रखी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? अच्छा जी, लहसुन ऐड कर रहे हैं सबसे पहले। कोफ्ता की रेसिपी देखी थी ना, इसका भी सेम जो है ना प्रोसीजर, किसी ने नहीं देखी क्योंकि मैंने अभी तक अपलोड ही नहीं किया। मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, पहले मैं कोफ्ता की इंशाल्लाह करूँगी, आप लोग देखेंगे फिर उसके बाद ये जाएगी। हाँ जी, तो लहसुन इसमें डाला है, अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, ठीक है। दो से 3 मिनट के लिए प्याज को जो है वो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये सोते हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डाल देंगे। छोड़ दो वैसे ही, उसमें बाइक बहुत आई तो मेरे यहाँ के डाटा है, तुम्हें पता चल रहा है, सही कह रही है ऊपर से। छोड़ दो, Thank you.
साइड पे जो है हमने सबसे पहले जो है वो इसमें क्या डाला था, लहसुन डाला था, फिर उसके बाद प्याज डाला, फिर हरी मिर्ची डाली है, उसके बाद जो है टमाटर डाले। और दूसरी साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दूसरी साइड पे हमने राइस जो है उसके लिए बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, जो कि ये देखें बॉयल हो रहा है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट 2 स्पून, ठीक है, 3 स्पून ऐड कर रहे हैं इसमें, 1 मोर जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद पानी इसका पकना स्टार्ट हो गया, इसमें हम राइस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अरे जब आप राइस ऐड करें तो उसके बाद एक बार जो है वो इसमें चम्मच ज़रूर चलाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये साइड पर राइस बॉयल हो रहे हैं, इस साइड पे जो है ये मसाला रेडी हो रहा है इसका सारा। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लास्ट में अदरक पेस्ट। जब हम अभी भी ऐड करें तो बजे कोई बात नहीं ऐड करेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, मसाला हमारा जो है ये हो गया रेडी, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ग्राइंड करके फिर जो है वापस आते हैं, हाँ, जब तक जो है वो राइस भी बॉयल हो जाएगा, हो जाएगा कैसे, मतलब ज़्यादा होते हैं ना तो बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वापस आते हैं इसको ग्राइंड करके। अच्छा जी, राइस हमारे बॉयल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इसको हमने जो है वो कितना कच्चा रखना है दिखाना, ये देखें इतना, तकरीबन 2 कनी पे इसको रखना है ना, हाँ 2 कनी पे रखना है। फिर उसके बाद जो है हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, ठीक है जी। अभी हम इसको ड्रेन आउट करने लगे क्योंकि ये हो गए हैं बॉयल, जितने हमें चाहिए थे उतने हो चुके हैं। अच्छा जी, ये जो है मसाला हमारा रेडी हो गया, और जो कोफ्ते थे उनमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो ऐड कर दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल और जाएगा। अभी स्पाइसेस जो हैं जितने थे वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्पाइसेस ऐड हो गए, अब क्या करने लगे। अब हम डाल रहे हैं बिरयानी मसाले वाला पैकेट, अच्छा नहीं खुल रहा, खुल गया। और क्या डालना है इसमें? दही जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो है वो दही जाएगा, हाफ कप है। आप वैसे इसको स्पून से अगर देखें तो ये 4 टेबल स्पून होगा, ठीक है, 4 टेबल स्पून। अच्छा, इसको थोड़ा सा भून के इसमें आलू ऐड करके, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे रखते हैं ताकि आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो थोड़ी बहुत कैसा कर अच्छे से पक जाए। अगली किसी ने वीडियो ही नहीं देखनी, तुमने अभी सारा कुछ बता नहीं बाकी है। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना वो इसका है बिरयानी की जो टैग लगानी है वो, हाँ सारा काम वहीं पर है। तो एंड तक वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर सारी देखनी है भाई। हमारे बिल्कुल रेडी हुए पड़े थे, इसलिए कोफ्ते हम अभी ऐड नहीं करेंगे। कोफ्ते आपको बताएंगे किस टाइम ऐड करेंगे। इसमें और क्या डालना है? इसमें बस थोड़ा सा पानी चाहिएगा, डालो आधा ग्लास जो। अच्छा, ये पानी इसलिए डाले ताकि आलू जो है वो गल जाएं। जब तक आलू गलेंगे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, कवर करके रख देंगे और ये पकता रहेगा। हाँ जी, खोलो अभी। अच्छा, आलू जो हैं हमारे गल चुके हैं और मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। इस पॉइंट पे आके अभी हम जो है इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे जो लेफ्ट ओवर थे, ठीक है। कहाँ गए कोफ्ते? गुम हो गए, ढूंढते हैं, खैर। अच्छा जी, ये कोफ्ते ऐड कर रहे हैं अभी हम। ये मुझे दे दो यार।
हो गया रेडी, मतलब थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकाएंगे जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। कवर कर पकाना। हाँ ये देखो आने लग गया इसके ऊपर ऑयल, चेक करें नज़र आ रहा है आप लोगों को। फिर यार अभी ना कवर कर लीजिए, ये देखें ऑयल आना इस पर स्टार्ट हो गया। अच्छा अभी ये है, दिखा दो एक बार दिखा देना। अच्छा ये देख लें ये रेडी हो गया, हम इसको उतार के साइड पे कर रहे हैं। अब हम मेन जो हाँ ऑयल इसका बिल्कुल जो है वो तो ही निकला है ठीक है ऑयल, ये देखें ऑयल ही इसने छोड़ दिया। अब इसको जो है ना एक मिनट यहीं रखना, मैं दिखा देती हूँ करीब करके, ये देखिए ठीक है इस तरह चलेंगे उतार लें। अब हम इसको उतार रहे हैं और चावल जो हमने बॉयल किया है तो वो निकल रहा है। अच्छा जी अब इसको जो है वो दम पे किस तरह रखना है और इसकी तह किस तरह हम लोग लगाते हैं वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो एक रोटियां बनाने वाला जो तवा होता है पुराना, ये हमने स्पेशल इसीलिए रखा हुआ दम पे, जब भी हम राइस बनाते हैं तो इसी तरह बिरयानी बनाए कोई भी चावल बनाते तो उसी तरह ही इसको रखते हैं। उसको हमने प्री हीट किया है ठीक है, सबसे पहले रख के उसको गर्म किया है अच्छी तरह, जब वो गर्म हो गया फिर दोबारा ऊपर ये जो बिरयानी का हमने क्या मसाला बनाया हुआ था वो डाला। अब हम इसमें जो है वो क्या ऐड करेंगे। अच्छा जी अब हमने जो राइस बॉयल किए हुए थे वो इसमें ऐड करने लगे हैं ठीक है, इसी तरह सबसे नीचे जो है ये इसका मसाला जाएगा, सारा मिक्सचर जो है वो नीचे आ जाएगा। हाँ उसके ऊपर जो है ये अभी राइस हम ऐड करेंगे। और राइस जो है ना वो आप लोगों ने अच्छी तरह ज़रा फैला के डालने ठीक है। कुछ लोग जो हैं जब बिरयानी बनाते हैं तो वो पहले एक तय इसकी मसाले की एक चावलों की इस तरह करके लगाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं लगाते, इस तरह डालते हैं जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ठीक है। अच्छा ये हो गया राइस ऐड हो गए, अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे जो गार्निश के लिए हमने चीज़ें रखी थी, टमाटोज जाएंगे जो मैंने दिखाए थे। इनके टमाटोज की कटिंग जो है थोड़ी सी मीडियम कटिंग कीजिएगा, बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जो है वो मोटी भी नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो इस तरह की कटिंग आपने करनी है। ऊपर जो है लेमन कट किए हुए हैं वो डाल दें, और लेमन भी इस तरह लेमन की चाहें तो आप बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मीडियम सी कटिंग ही की हुई है ठीक है। इसके ऊपर पुदीना जा रहा है, पुदीना हमने थोड़ा सा जो फ्रेश पुदीना है वो है और थोड़ा सा ड्राई करके हमने रखा होता है वो है। इस तरह आपको दो कलर्स का नज़र आ रहा होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रीन और थोड़ा जो है वो ड्राई, दोनों तरह का डालते हैं ठीक है। उसके ऊपर जो है ये क्या डाले हरी मिर्चें, हरी मिर्चें क्योंकि हम लोग कम खाते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने कम ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक जो है वो ये अनियन फ्राइड अनियन जो है ये डाल रहे हैं इसमें, स्टार्ट में नहीं बताया था आपको ठीक है। अच्छा क्योंकि नीचे वो इसका जो है वो तवा काफ़ी हीट हो गई है उसके ऊपर, तो अभी इसकी आँच जो है वो हमने थोड़ी सी कम की है ठीक है। अच्छा ये ऐड हो गया, अब हम इसको कवर करेंगे। क्या डालें, ओ सॉरी कलर रह गया, फूड कलर जाएगा। फूड कलर किस तरह डालना देखिए, कोनी खुलता ही नहीं है,
चलो खुल गया। फूड कलर जो है ना वो आपने ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालेंगे। किसी किसी जगह पे आपने डायरेक्ट ही डाल देना, पानी में नहीं होना। अच्छा, हम पानी में मिक्स करके डालते हैं, डायरेक्ट चाय डालते हैं। अभी न्यू है ना, इसको पता नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ हमने फूड कलर डाला है उसके ऊपर जो है लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आँच जो है अभी स्लो है इसकी, ठीक है। जब दम पे रखने लगेंगे, इसका कवर करने लगेंगे, तो इसको कवर हम करने लगे हैं तो फिर जो है क्या करेंगे, इसको आँच को फिर जो है वो स्लो ही रहने देंगे, ठीक है जी। आँच स्लो ही रहने देंगे, तो अभी ये 10 से 15 मिनट के लिए जाएगा दम पे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वापस आती हूँ, फिर दिखाती हूँ किस तरह। बताते हैं कि हमने इस तरह जो है वो पहले सारा मसाला डाल के ऊपर चावल क्यों डालते हैं वो बाद। हाँ, वो भी बताते हैं आपको। अच्छा जी, जब तक बिरयानी हमने दम पे रखी हुई है तब तक हम रायता जो है वो साथ बना लेते हैं, कैसे हम खाते हैं ये भी देख लें। अच्छा जी, दही हमने लिया है एक बाउल, उसमें ये पुदीने की चटनी जो है ये मेरी अम्मा ने बना के रखी हुई है पहले से, ये ऐसे सारे काम मेरी अम्मा करती हैं, तो ये उन्होंने मिट्टी की कूंडी में। हाँ, अच्छा कितनी डाल दूँ, एक चम्मच? नहीं, हाफ चम्मच। हाफ इसमें टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो क्या करेंगे, बॉल में डाल देंगे। किधर है बॉल, बड़ा कर देना नीचे वाला। ये इसमें उसी में डालना है, थोड़ा लेकर आओ फिर कम मेहनत कर। इसमें निकाल दें हम, अच्छा हमेशा जो है वो सेपरेट से बर्तन में मिक्स करके सर्विंग के लिए मैदा से डाला करें। कभी ये नहीं किया कि यस टीचर जवाब दे। ठीक है जी, ये हो गया रायता रेडी। अब दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे क्या करने लगे हैं हम, चावलों का जो दम पे लगाया वो सब खोलने लगे, तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अभी दम जो है वो हम खोलने लगे हैं चावलों का, और देखिए कैसी बिरयानी बनी है। एक सेकेंड, हाँ जी खोलें। अब हम इसको करेंगे मिक्स, मिक्स करेंगे। हाँ जी, कोफ्ते किधर हैं? कोफ्ते अरे बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है।